हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। आज फिर से आपको थोड़ा सा अपनी मस्ती दिखाऊंगी, तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। ओके गाइस, अब मैं आपको एक और अच्छा सा प्लेस दिखाऊंगी जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेते थे हम लोग भी लेते थे, और लोग भी यहाँ पे ले रहे हैं, इसलिए मैं भी आपको दिखा रही हूँ कहाँ जा रही हूँ मैं। एक्चुअली कुछ खास तो नहीं है, लेकिन जो है दिखा रही हूँ, यहाँ पे आके भी लोग काफ़ी फ़ोटो ले रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ कैसा है यहाँ का व्यू। तो लेट्स गो। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं संडे के दिन यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, सारे फैमिली मेम्बर्स घर में होते हैं, काफ़ी बच्चे वगैरह के लिए तो ये काफ़ी अच्छा प्लेस है, वो काफ़ी इंजॉय करते हैं इस प्लेस में आके। वैसे हम भी काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जब से मेरी सिमिया हुई है तो उसके बाद मैंने थोड़ा स्किप कर दिया। आज काफ़ी टाइम के बाद ही हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे आकर हम लोग काफ़ी वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह लेते थे, क्योंकि यहाँ पे ये झील बिल्कुल साथ में दिखती है। ये देखिए यहाँ का ये पानी है, और मैं आपको यहाँ पे फ़िश भी है एक्चुअली, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे फ़िश काफ़ी हैं। तो देखिए दिखाती हूँ आपको। था आज मेरे 1000 का व्यू जो मैंने आपको दिखाया, जो काफ़ी सुंदर है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, बाहर से टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है वैसे ये, खासकर हमारे चंबा का सबसे फेमस यही है प्लेस। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं अभी, वैसे एक्चुअली मैं आपको पता है लॉकडाउन है तो काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे हर टाइम भीड़ होती है, काफ़ी गाड़ियों का रश होता है, आने जाने लोग बस चले रहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो ये था आज का व्यू जो काफ़ी सुंदर है, और काफ़ी टाइम भी हो गया, हम सुबह से आए हैं यहाँ पे। आपको मैं ये वीडियो एक्चुअली मैं दो पार्ट्स में बना के दिखाऊँ, क्योंकि एक में तो ये कम्प्लीट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे एक मंदिर में जाएंगे, वो भी एक शिव जी का मंदिर है, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं वहाँ पे भी, कैसा है वहाँ का व्यू, आई होप अच्छा लगेगा आपको। ओके, अब यहाँ पे आगे हम यहाँ के बहुत ही फेमस मंदिर जो है खज्जी नाग जी का मंदिर, ये बिल्कुल जो मैंने आपको दिखाया खजियार के बिल्कुल बीच में बना हुआ है। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पुराना है, अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँ तो ये 800 साल पुराना है गाइस, 800 साल। तो सोचिए कितनी पीढ़ियों से ये चला आ रहा है मंदिर, और जिस तरह से ये बना है वैसा का वैसा है। ये मैं आपको अंदर का दिखा रही हूँ व्यू, और ये यहाँ के जो पंडित वगैरह होते हैं पूजा पाठ वाले, वो और मम्मी और ये अंदर ही हैं, और मैं आपको बाहर का दिखा रही हूँ व्यू। तो इस वैसे तो इस मंदिर की बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, मुझे भी अच्छे से नहीं पता, बट ये कहते हैं कि इन ये देखिए ये इसकी बाहर जो सेवक होते हैं वो खड़े हैं ताकि अंदर कोई ऐसे बुरी चीज़ें वो होती है ना वो प्रवेश न कर सके। ये देखिए बिल्कुल पुराने हिसाब से ये मंदिर बना है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको कैरी करके रखा हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसे नहीं है कि अब नए हिसाब से बना के रखा नहीं। ये देखिए पुरानी जो इसमें कारीगरी करी हुई है वही है, इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, पुराने हिसाब से ही लकड़ी का बना है पूरा सा पूरा का पूरा मंदिर, और बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर इन्होंने कैरी करके रखा है। ये कहते हैं ये चार भाई थे जो ये नाग मंदिर है बने हुए, उसके अकॉर्डिंग ये चार भाई हैं जो अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपनी अपनी स्थापना करवाई हुई है। तो ये है पूरा मंदिर का व्यू, ये देखिए दोनों तरफ ये इनको इनके सेवक बाहर खड़े हैं,
इनके अंदर सेवा करते हुए ये देखें यहाँ पर भी इनकी सेवक की प्रतिभा बनाई हुई है जो बड़ी सुंदर है। ये काफ़ी टाइम से ऐसी ही बनी आ रही है और सब कुछ यहाँ लकड़ी का है। ये देखें यहाँ पे हमारे यहाँ इनको नगारे बोलते हैं। शाम की आरती के समय ये बजाए जाते हैं, कहते हैं कि इनसे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं इन्होंने। ये देखिए ये सारा मंदिर पूरा लकड़ी का बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर पुराने हिसाब से कारीगरों ने बनाया हुआ है, उसी तरह से अभी तक वैसा का वैसा है, बड़ा सुंदर है ये। और हमने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे, थोड़ी देर हमने यहाँ पे देखा इसकी क्या मान्यता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है खजिनाक मंदिर, खजियार निर्मित, अवधि 800 वर्ष से ये बना है। तो ये देखिए ये है सामने का व्यू। आज तो हमने काफ़ी मज़े लूट लिए, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर से आपको अच्छा सा व्यू बना के मैं दिखाऊंगी। ये देखिए काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, इंजॉय करे जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। कभी कभी आउटिंग भी करनी चाहिए हम लोगों को। तो अब हो गया है टाइम जाने का। ये देखिए हम लोग आगे हैं रोड पर। यहाँ पे काफ़ी देखिए खाने पीने के लगे हुए हैं स्टॉल। ये देखिए मक्की भी लग लड़का यहाँ सेक रहा है बाहर, और भी खाने पीने का बहुत सा रखा होता है इन्होंने अपना अरेंजमेंट यहाँ करके। ये देखें यहाँ पे गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, कहीं और जाने के हो तो वहाँ भी हैं, या हॉर्स वगैरह की भी राइडिंग कराते हैं वो भी यहाँ लगे हैं। तो इस तरह से आज दिन रहा, बड़ा इंजॉय और मस्ती का रहा, बड़ा ज़्यादा इंजॉय किया हम सभी ने, तो काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। तो देखेंगे फिर कभी आएँगे तो फिर से आपको इसकी व्यूज शेयर करवाएँगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरे खजियार का, हमारे चंबा का फेमस टूरिस्ट प्लेस जो मैंने आपको आज दिखाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कैसा लगा, इसका व्यू कैसा लगा। ये मेरी मम्मी जी, हाय हाय, आज फाइनली आपका इंट्रो इनके साथ हो ही गया। एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इनके लिए भी। तो ये जो आज हम आए थे स्पेशली घूमने के लिए, आज टाइम हो गया है जाने का, तो हम अब अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं। जाते हो आपको गुड बाय के लिए, आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो सोचा आपके साथ गुड बाय भी करती चलूँ। तो फ्रेंड्स ज़रूर मुझे बताना आपको कैसा लगा। तो अब शाम का टाइम हो गया है, सिमिया भी गुस्सा कर रही है कि ये वापस जाना है, तो अब चलते हैं और आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना गाइस। और ये था आज का मेरा अच्छा सा ब्लॉग, जो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइज़।